मैसेल्फ डॉक्टर सुनीता। अगर मैं चिकनगुनिया की बात करूँ, चिकनगुनिया पोस्ट चिकनगुनिया कॉम्प्लिकेशंस की बात करूँ, आपको पता होगा कि जो चिकनगुनिया होता है वो बेसिकली क्यों होता है। चिकनगुनिया होता है हमारा बिकॉज ऑफ चिकनगुनिया का जो मॉस्किटो होता है उसकी वजह से। और इसके अंदर जो हमारे सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं आई के पीछे पेन होना, बॉडी में पेन होना, प्लेटलेट लेवल काफ़ी कम हो जाना, अनिमिक हो जाना, बोन्स में पेन होना, सोन, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी ही जो है बिल्कुल वीक हो जाती है चिकनगुनिया के केस में, और अब चल नहीं पाते हैं बेसिकली, और एकदम प्लेटलेट लेवल इतना कम हो जाता है कि एडमिट कराना पड़ जाता है इन हॉस्पिटल्स, और उसके बाद आपका प्लेटलेट लेवल बढ़ाया जाता है या जो भी है। ठीक है, होम्योपैथी में होम्योपैथिक के लेवल पे बढ़ाया जाता है। ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है, बहुत सारी मेडिसिन होती है, ऑफिटोरियम पर हो गया, चाइना हो गई, रस्टॉक्स हो गई, तो अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स मेडिसिन दी जाती है। अगर हम बात करें पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस की, तो उसमें क्या आता है, मोस्टली जो मैंने देखा है वो ये होती है कि हमारे बोन का जो पेन है ना वो नहीं जा रहा है, और हमारा बॉडी का जो पेन है वो नहीं जा रहा, और जो पेशेंट आता है वो बेसिकली ये बोलता है कि जब से मुझे चिकनगुनिया हुआ है उसके बाद से मेरे ये सिम्टम जा ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये होता है पोस्ट चिकनगुनिया कॉम्प्लिकेशंस, जो कि चिकनगुनिया होने के बाद में आपकी कंडीशन ऐसी हो गई कि चीज़ें चेंज ही नहीं हो रही है, और कंडीशन बिकम वर्स और स्टेबल। ठीक है, मतलब स्टैटिक बेसिकली ना, स्टेबल। तो उसमें आप क्या करते हो, जो केसेस आते हैं होम्योपैथी में, जो केसेस आते हैं मोस्टली वो ऐसे ही आते हैं कि हमने एलोपैथिक मेडिसिन ले ली और उसके बाद में हमें कुछ असर नहीं लगा तो हम होम्योपैथी लेना चाहते हैं, या हम होम्योपैथी में बहुत ट्रस्ट करते हैं तो हम होम्योपैथी लेना चाहते हैं, ऐसे ही पेशेंट्स आते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे केसेस आते हैं पोस्ट चिकनगुनिया कॉम्प्लिकेशंस के, ऑलवेज रिमेंबर, सारे सिम्टम नोट डाउन करो, सारे के सारे जो जो पेशेंट बोल रहे हैं, आई के पीछे दर्द, बोन में पेन, ठीक है, ब्रूइस्ड फीलिंग का सेंसेशन है कि नहीं है, अनिमिक है नहीं है, पैर में कौन से पैर में दर्द ज़्यादा होता है, और उसके बाद ना उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देके छोड़ दो एक महीना। ठीक है, एक महीने बाद उनके रिजल्ट्स देखो क्या है। अगर आपकी मेडिसिन बिल्कुल करेक्ट है ना, तो पोस्ट चिकनगुनिया कॉम्प्लिकेशंस विद इन वन मंथ चला जाएगा। 1 मंथ to 3 months आप खुद से लेके चलना एज अ डॉक्टर, जो भी मेडिसिन, जो भी ये देख रहा है बेसिकली वीडियो। लेकिन 1 month अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाल ली है ना, जैसे पल्सेटिला है, पल्सेटिला की आपने 200 में दे दिया, आप 2 doses दिया 3 doses दिया, वो आप देख लेना कि डोजेस का तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि डोजेस जो है हर डॉक्टर की थोड़ी वेरी करती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस वो चीज़ होती है। बट अगर मेडिसिन आपने ठीक चुनी है ना, तो उसको ज़्यादा डोजेस में मत देना पोस्ट चिकनगुनिया कॉम्प्लिकेशंस के केसेस में। देख, और बायोकेमिक चला देना साथ में। ठीक है, बायोकेमिक ज़रूर देना पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस में, बहुत अच्छा वर्क करती है बायोकेमिक। ठीक है, क्योंकि जिस बायोकेमिक की बॉडी में कमी है ना, वो उसको दे दोगे ना, तो वो जो उसका इम्यून सिस्टम है उसको बाउंस बैक कर देगी, और उसके कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करके उसका रिस्टोरेशन कर देगी। तो अगर जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल चला रहे हो ना, तो बायोकेमिक चला लेना साथ में। ठीक है, और रिजल्ट देखना, और पेशेंट को बोल देना 3 महीने का कोर्स है, 3 से 6 महीने का, और उसको ठीक, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बायोकेमिक के बारे में स्टडी कर लेना थोड़ा ढंग से, और कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ में बायोकेमिक दे देना, और उसका जो जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है ना बॉडी में, उस वाले बायोकेमिक को इंक्रीज़ कर देना, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस की प्रॉब्लम है दैट विल सॉर्ट इट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।